ड योर आई ओ एस सिक्सटीन टू आई ओ एस फिफ्टीन सो गाइज ये है मेरा आई फोन एस ई एनगाई जैसे कि आप देख सकते हो इसके लॉक स्क्रीन देख के आपको पता ही लग गया कि, ये 16 so, guys, कि मैं ऐसी पहले भी बना चुका हूँ इसका रीजन मैं आपको एक्चुअल अपने इंस्टाग्राम पे दूंगा सो दिस राइट हेर इज माई इंस्टाग्राम हैंडल मेक श्योर टू गो एंड फॉलो मी एंड इज नाउ लेस दिस क्विकली गेट स्टार्ट फटाफट से इस आईओएसटीन वाले डिवाइस को आई ओ एस फिफ्टीन पर लेकर आते हैं वन क्लिक में गाइस इस चीज को कोई भी बंदा बहुत आराम से कर सकता है कोई मुश्किल स्टेप नहीं है सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू माय कंप्यूटर एंड सो गाइस जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है आई टूल फिक्स गो बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो हर तरह की जो प्रॉब्लम होगी आपके एप्पल डिवाइस के लिए ऑलमोस्ट सबको आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हो सो so, गई कुछ कुछ मेन फीचर्स यहां पे मैंशन हो रखे हैं फ्री टू एंटर एग्जिट रिकवरी मोड विद वन क्लिक ये चीज हम इसके साथ कर सकते हैं फिक्स आईफोन आई पैड

पड़ेगा सो so, भाई ये जो हमारे आईफोन एस वगैरह हैं, आईफोन टेन से ऊपर वाले डिवाइसेज हैं वो कुछ इस तरह से रिकवरी मोड पे जाते हैं कहीं आपको ये वाला बटन एक बार दबाना पड़ेगा वॉल्यूम अप का एक बार वॉल्यूम डाउन का और कहीं उसके बाद पावर बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा सो आल जस्ट शो यू मैंने एक बार ये दबाया एक बार ये दबाया एंड गाइस अब मैंने अपना पावर बटन को दबा के रखा हुआ है का मैं उसको दबा कर रखूँगा जब तक मेरा फ़ोन रिकवरी मोड पर नहीं आ जाता सो so, गाई जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है कहीं मैंने अभी भी बटन दबा रखा है अभी यहाँ पे एक एप्पल लोगो आएगा मैं तब भी बटन दबा के रखूंगा एंड गाइस एप्पल लोगो आने के बाद जैसी मेरा फोन रिकवरी मोड पे एंटर होगा तब मैं अपने बटन को छोड़ूंगा सो गाइज जस्ट वेट एंड जैसे कि आप देख सकते हो अब हमारा फोन रिकवरी मोड पे आ गया है और अब हम इसको अपने कंप्यूटर से रिस्टोर कर सकते हैं सो गाइस आई गईली रिकमेंड की आप आईट्यून से इसका एक बैकअप ले लो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मेरा फोन डिटेक्ट हो गया कि भाई मेरा आईफोन फोन सेकंड जनरेशन है एंड सो ऑल गाइस गई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फिक्स आयोएस सिस्टम एडवांस मोड एंड गाइस इसके बाद यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फिक्स नाउ पर नाउ पे एंड गाइस बेसिकली ये क्या करेगा कि फॉर्मवेयर को डाउनलोड करेगा आपके डिवाइस पर सो so गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए गाइस इन्होंने अपनी ऐप पे भी मेंशन कर

का और गाइज लाइफ टाइम प्लान जो है हमारा उनचास डॉलर का जो कि अपने फोर्टी नाइन फिफ्टी मतलब ऑलमोस्ट फिफ्टी डॉलर नीचे आपको कमेंट्स में कूपन कोड मिल जाएगा जिस कूपन कोड को यूज करके आपको थर्टी परसेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा इस पे सो तो गाइज अपने हिसाब से आप कोई भी प्लान इसमें चूज कर सकते हैं गाइज अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर गाइज आपको थर्टी परसेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा तो बेसिकली सिंपली गाइज यहाँ पे आप बाय नाव पे क्लिक करोगे अपना एड्रेस वगैरह डालोगे एंड गाइज सिंपल जैसे हम चेकआउट करते हैं वैसे आप चेकआउट कर सकोगे सो गई लेस की कितना हो गया अराउंड दिखा रहा है कि 10 मिनट हमें लगेंगे सो गाइज दस मिनट बाद ही देखते हैं कि ये क्या प्रोग्रेस होगी इसमें आगे एंड सो ऑल वाइट गाइज अब गाइज मेरे कंप्यूटर में तो लिखा आ गया है द रिपेयर प्रोसेस इज कम्प्लीट लेकिन गाइज अभी मेरा जो आई फोन है ये काफ़ी टाइम से री ही हो रहा है सो गाइज लेस जस्ट ये कितनी देर लगेगा इस हमने 28 पे शुरू किया था एंड गाइज ऑलमोस्ट 36 हुए हैं आठ मिनट लगे और आठ मिनट में ये पूरा प्रोसेस हो गया है गाइस लेट्स जस्ट सी कि हमारा ये फोन डाउनग्रेड हो गया होगा या नहीं हो गया होगा सो गाइस so फिलहाल के लिए मैं इसको यूएसबी से नहीं हटा रहा हूँ मैंने यूएसबी से इसको कनेक्ट करके रखा ही हुआ है एंड सो ऑल वर्ट गाइज यहाँ पर मेरा डिवाइस जो है गाइस वो रीस्टार्ट हो गया है बेसिकली मेरे हिसाब से री हो गया है सो so गाइस मैं फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ एंड गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं अपने आई ओ एस फिफ्टीन पर आ गया हूँ या नहीं आया हूँ सो ऑल वर्ट गाइज एज़ यू कैन सी गाइस अब मैं आ गया हूँ अपने आई ओ एस फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पर एंड गाइज हवाई ओवर मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया होगा जैसे कि आप देख सकते हो एंड गाइज इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में आप एक आई से एक बैकअप ले लेना सो बेसिकली गाइज दिस इज़ हाउ यू कैन डाउनग्रेड योर आई ओ एस फ्रॉम आई ओ एस सिक्सटीन टू आई ओ एस फ़िफ्टी एंड गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा गाइज़ अभी इसमें नहीं होगा गाइज़ वो हमें बाद में जाके आई ट्यून से रिस्टोर करना पड़ेगा सो गाइज़ बेसिकली मेरे हिसाब से आप सिर्फ यही देखने आए थे इस वीडियो में एंड गाइज ये वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से आप अपने आई ओ एस को डाउनग्रेड कर सकते हो फ्रॉम आई ओ एस सिक्सटीन टू आई ओ एस फिफ्टीन And basically, guys, I think that's pretty much it for this video. If you then you'll definitely drop a like. I'll see you in the next one. Till then, peace, and I'm out.